दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय पानीपत शहर में हूँ और वही ऐतिहासिक पानीपत शहर जहाँ मध्य युग में तीन बड़ी लड़ाइयाँ हुई जिन्होंने भारत के भविष्य और भारत के इतिहास की दशा और दिशा तय की। इस वक्त मैं पानीपत शहर के उस लोकेशन पर हूँ जहाँ पर इब्राहिम लोदी का मकबरा है और इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे मुग़ल काल से पहले, और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ मंडल के तहत आता है और यहाँ पर ये इन्होंने डिटेल्स लगा रखी हैं। यहाँ एक पत्थर भी लगा हुआ है, आपको ये पत्थर मैं दिखाता हूँ, इस पर इसकी डिटेल है, ऊपर इंग्लिश में है नीचे हिंदी में है, इस पर लिखा है इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत, दो तरफ से पहुंच योग्य दोहरी सीढ़ी वाले चबूतरे पर स्थित यह खुली कब्र दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी जो 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान रहे के अंतिम विश्राम स्थल को चिन्हित करती है। इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 को बाबर के खिलाफ लड़ते हुए पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान मारा गया था। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था क्योंकि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हो गया था और दिल्ली की सल्तनत का अंत हो गया। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अधिसूचना संख्या 8516 दिनांक 27 मार्च 1919 के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। यही डिटेल इस पर इंग्लिश में लिखी है। तो इस तरह से दिल्ली की जो सल्तनत थी, जो जिसके सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, वो पानीपत की पहली लड़ाई में मारे गए थे। बाबर ने यहाँ फतेह हासिल कर ली थी और मुग़ल साम्राज्य के स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था भारत में। ये इब्राहिम लोदी की कब्र है और मैं आपको दिखाता हूँ ये ऊपर, यहाँ पर ये डिटेल्स लिखी हैं इस पत्थर पर। तो मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है कि ये अरबी में है या उर्दू में है, बहरहाल जो लोग अरबी या उर्दू के जानकार होंगे उनको अंदाज़ा होगा। और ये कब्र है इब्राहिम लोदी की, ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पानीपत इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई मुग़ल शासकों के साथ, भारतीय सुल्तानों की, भारतीय राजाओं की, उसमें उन तीनों लड़ाइयों में भारतीय राजाओं को हार मिली और यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तीसरा युद्ध मराठों के खिलाफ लड़ा था मुग़लों की सेना ने, तो मराठे उसमें परास्त हो गए, चूँकि आसपास के जितने भी सुल्तान थे, जितने भी राजा थे, वो चाहे राजस्थान के हों या दिल्ली के आसपास के इलाकों के राजा हों, वो उस समय उस सारे रजवाड़े यहाँ के शासकों के का साथ नहीं दे रहे थे, उनकी सेनाएं उतनी दक्ष नहीं थी, उतनी मजबूत नहीं थी जितनी मुग़लों की थी। तो मुग़लों ने अंततः यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली, इसलिए पानीपत की लड़ाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये मकबरा आप इब्राहिम लोदी का देख रहे हैं, शहर में है पानीपत में, और ये कब्र है, वो हिस्सा एक पार्क के तौर पर डेवलप किया गया है, यहाँ आसपास के लोग आते हैं, बैठते हैं, और इधर युद्ध के कुछ स्टैचू लगाए गए हैं, एक तोप वहाँ लगाई गई है, कई सैनिक हैं जो दिख रहे हैं, उनमें से एक दो के हाथ कटे हुए हैं, युद्ध का एक दृश्य एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है प्रतीकात्मक ढंग से। तो हमने आपको पानीपत शहर में वो जगह दिखाई कलाम जहाँ पर पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ हुई और वहाँ पर जो मराठों के साथ जो जंग हुई उसका प्रतीक वहाँ पर मौजूद है, और ये जगह हमने दिखाई जो इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के शासक थे जो उनकी कब्र है, जो उनका मकबरा है। तो इस तरह से यहाँ पर पत्थर लगाया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस मायने में ये महत्वपूर्ण है कि हमें मिडिवियल हिस्ट्री के, इंडियन मिडिवियल हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ये बेसिकली पार्क है एक, इसके एक हिस्से में इब्राहिम लोदी की कब्र है और एक हिस्से को डेवलप किया गया है पार्क की तरह, इसमें ग्रीनरी है, झूले लगे हैं और जिम है कसरत करने के लिए, और एक ऊपर जो है ये इसको भी देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है इसमें। आप यहीं के रहने वाले हैं पानीपत के? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? फाइनेंस में काम करते हैं। फाइनेंस में काम करते हैं। इस जगह को किस रूप में जानते हैं आप?
मैं तो इसे जाना नहीं कभी आज तक किसी जाना नहीं नहीं यहीं के रहने वाले हैं यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। बस कभी कभी आ जाते हैं बस घूमने के लिए जी कभी कभी घूमने जी। तो यहाँ स्थानीय लोग इस तरह से बताते हैं कि उनके लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंस वाली जगह नहीं है और ये अभी एक फाइनेंस का काम करने वाले नौजवान हमें मिले जिन्होंने बताया कि उनको इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की कोई जानकारी नहीं है। ये सामने देख सकते हैं एक तोप लगाई गई है और इसके दोनों तरफ सैनिक हैं जो युद्ध के मैदान में हैं। एक ने एक का हाथ कट गया है एक के बगल में तलवार है और युद्ध के लिए तत्पर हैं। वो युद्ध की विभीषिका दिखाने की कोशिश की गई है और ये यहाँ इस हिस्से में जो है जिम बना है ये आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत तरह के झूले इस जिम में लगे हैं ये और अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ। कुछ लोग ताश खेल रहे हैं इस समय, कुछ लोग घूमने आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से बच्चे इस पर झूलते हैं, ये मूव करते हैं। मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है इस तरह से मूव कर पाना। और ये अलग अलग किस्म के झूले यहाँ पर हैं। ये देखिए बैठने के लिए एक अच्छी जगह बनाई गई है। ऊपर चढ़ कर के मैं दिखाता हूँ, कहीं इसमें साइड में सीढ़ियाँ हैं। तो आइए जो बीच में स्ट्रक्चर बना है इस पे ऊपर चढ़ के देखते हैं कि किस तरह का दृश्य ऊपर से नज़र आता है। ये बैठने के लिए बेंच वगैरह बनाई गई हैं और मैं ऊपर चढ़ता हूँ इस पे। काफ़ी ऊंचाई है, देखते हैं ऊपर से दृश्य शायद कुछ और अच्छा दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर आ गया हूँ मैं। इस हिस्से में भी जिम डेवलप किया गया है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत। अलग अलग पार्कों में इस तरह के जिम बनाए गए हैं और ये सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर आप बैठ करके हवा ले सकते हैं। बच्चे आ गए हैं बहुत सारे यहाँ पार्क में, झूले झूल रहे हैं। दूसरी तरफ जिम है नौजवानों के लिए, वहाँ कुछ बुज़ुर्ग बैठ कर के ताश भी खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छी जगह है। उधर तोप लगी है, इधर बुज़ुर्ग ताश खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं और विश्राम स्थल भी है। और उस तरफ इब्राहिम लोदी की कब्र है, इब्राहिम लोदी का मकबरा है। इस तरह से इस इलाके को डेवलप किया गया है। हम आपको और बहुत सारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से वीडियो और बहुत सारे कंटेंट दिखाते रहेंगे हरियाणा के। अगले कुछ दिन हम हरियाणा में रहने वाले हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि, और नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा ताकि हर नया वीडियो अपलोड होने के बाद आपके पास सूचना पहुँच सके। धन्यवाद, नमस्कार।